स्टूडेंट, ये है आपके एसएस का चैप्टर नंबर 8, द ग्लोरी ऑफ भारत वर्षा। व्हाट इज भारत वर्षा? भारत वर्षा यानी कि हमारा इंडिया। ठीक है, हमें किसके बारे में पढ़ना है यहाँ पर? द ग्लोरी ऑफ भारत वर्षा यानी कि हमारे इंडिया के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है, यहाँ पर वी हैव लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम स्टोन एज टू 18th century। हमने अपने एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ा था जब हमने अपना चैप्टर एसएस में स्टार्ट किया था, तो हमने सबसे पहले एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ा था। एंशिएंट इंडिया माने हमारा पुराना भारत, जो हमने लोथल और हड़प्पा की संस्कृति के बारे में सीखा था। ठीक है, सिंधु वैली की संस्कृति के बारे में हमने सीखा था। ओके, सो ये सारा जो हमने सीखा था वो था हमारा एंशिएंट इंडिया, स्टोन एज। और हमने धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य के बारे में सीखा, देन हमने गुप्ता साम्राज्य के बारे में सीखा, राइट। सो हमने 18th century तक हमारा हिस्ट्री पढ़ा हुआ है। ठीक है, वी हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स एंड हेरिटेज ऑफ वेरियस एजेस। इंडिया इज अ ह्यूज नेशन लाइक सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट माने, कॉन्टिनेंट माने एक महाखंड, और सब कॉन्टिनेंट माने एक छोटा सा उपखंड। ठीक है, सिंस एंशियंट टाइम्स पीपल ऑफ वेरियस ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स हैव कम टू इंडिया एज दे वेर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अवर प्रोस्पेरिटी। इंडिया में पहले हमारी इंडिया यानी कि अभी भी कहा ही जाती है, बट पहले लोग इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे। लोग इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। क्यों अट्रैक्ट होते थे? बिकॉज इंडिया में सारे जो अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलती थी, उससे बाहर के लोग, बाहर के कंट्री के लोग इंडिया की ओर आकर्षित होते थे, इंडिया को जाना वो चाहते थे। ड्यू टू दिस द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर क्रिएट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्सिटी। इंडियन कल्चर जो है वो क्या क्रिएट कर रहा था? अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से लोग इंडियन कल्चर से अट्रैक्ट होते थे। जवाहरलाल नेहरू हैज़ कॉल्ड इट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू ने एक सूत्र दिया था, एक से उन्होंने बोला था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे इंडिया में विविधता में भी एकता है। वी विल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ सोशल लाइफ ऑफ आवर कंट्री सो दैट वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्लोरियस हेरिटेज ऑफ द पीपल इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में जो पुराने भारत में हमारे जो पीपल रहते थे, लोग रहते थे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में कलेक्ट करेंगे। ओके, इससे आपको क्या पता चलेगा कि हमारा पुराना इंडिया जो था वो एग्रीकल्चर में, रूरल लाइफ में, या फिर किसी और चीज़ में कितना महान था उसके बारे में, राइट। सो द चैप्टर द ग्लोरी ऑफ भारत वर्षा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडिया में। एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का हमारा एग्रीकल्चर पुराने टाइम में कैसा था। वी गेट मैक्सिमम फूड टू वी कंज्यूम एंड थिंग्स वी यूज इन अवर डेली लाइफ फ्रॉम द फार्म प्रोडक्ट। हम लोग कहाँ से अपनी सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं? फार्म प्रोडक्ट से, राइट। सो फार्म प्रोडक्ट क्या होती है? जैसे खेतों में गेहूँ वगैरह निकाला जाता है, सो वो सारा हुआ हमारा फार्म प्रोडक्ट, राइट। फार्मिंग बिगन इन एंशिएंट इंडिया। इन दोज डेज ऑल्सो वेरियस टूल्स एंड इरीगेशन फैसिलिटीज वेयर डेवलप्ड फॉर फार्मिंग। पुराने ज़माने में भी लोगों ने इरीगेशन यानी कि सिंचाई, पानी जो अलग अलग जगह से नहर वगैरह से लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इरीगेशन, राइट। कुएं से पानी निकाला जाता है, नदी से उसको मोड़ के लाया जाता है, वो सारा जो सिस्टम होता है फार्मिंग का पानी के लिए, उसको बोलते हैं इरीगेशन। तो पुराने ज़माने में भी ये लोग वहाँ पर करा करते थे। फिर टूल्स होते थे, जो प्लो वगैरह होते हैं, औजार यूज़ होते हैं फार्मिंग में, उसे बोलते हैं टूल्स, राइट। सो वो टूल्स जो थे वो भी पुराने ज़माने में हुआ करते थे। अभी हमारी जो खुदाई होती है कहीं जगह पर, या तो फिर जो हम लोग आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं वो टूल्स वगैरह ढूंढते हैं, उसमें ये सारे टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं जो फार्मिंग में भी यूज़ हुआ करते थे। ओके, इन एंशिएंट इंडिया वीट, बार्ली, पेडी, ज्वार, मिलेट, सीसम, पीस एक्सेट्रा वेयर कल्टिवेटेड। वहाँ पर कल्टिवेटेड का मतलब होता है उगाना। क्या उगाया जाता था? गेहूँ, फिर ज्वार, बाजरा, तिल और पीस माने क्या बोलते हैं उसको, मटर, मटर भी वहाँ पर उगाया जाता था। ठीक है, तो ये सारा जो है वो उस टाइम पे भी हुआ करता था। देन यहाँ पर टूल्स क्या होते थे? टूल्स इन हरप्पन कल्चर प्लो हैज़ नॉट बीन फाउंड अमंग टूल्स यूज इन एग्रीकल्चर। वहाँ पर जो टूल मिले उसमें प्लो नहीं मिला था, बट प्लो शेप्ड टॉय हैज़ बीन फाउंड। पर क्या मिला था?
टो के शेप का एक औजार के टाइप का एक मिला था, टोई मिला था. सो इट कैन बी सेड दैट दे वेर यूजिंग प्लो फॉर फार्मिंग. वहाँ पर फार्मिंग के लिए वो लोग प्लो का इस्तेमाल किया करते थे. प्लो के टाइप का एक औजार हरप्पन संस्कृति का जब वहाँ पर आर्किटेक्चर वालों ने वहाँ पर जाके ढूंढा, तब उनको एक खिलौना मिला था जो प्लो एकदम प्लो के जैसा ही दिख रहा था. सो वो लोग अगर खिलौना मिला है तो पक्का वो लोग यूज़ करते ही होंगे, है ना. देन यूज़ of iron tools had been increasing in the field of agriculture. It include axes for clearing forest. वहाँ पर जो औजार मिले थे उसमें से आयरन टूल भी मिले थे. तब तक आयरन का इजाद हो चुका था ऐसा हम बोल सकते हैं, बिकॉज अगर आयरन के टूल मिले हैं तो वहाँ पर प्योरली वो भी फाउंड आउट किया गया होगा. देन क्या हुआ, इट इंक्लूड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट. जो पौधा वगैरह काटने के लिए जो एक्स लगती है, लकड़ी काटने के लिए जो औजार होता है कुल्हाड़ी का, वो भी वहाँ पर मिला था. एंड फ्रंट पोर्शन ऑफ प्लो यूज्ड फॉर प्लोइंग सोइल. ज़मीन को उसको तोड़ने के लिए, ज़मीन की खुदाई करने के लिए वहाँ पर प्लो जैसा एक पोर्शन भी मिला था. इन एडिशन दे वेयर फैमिलियर विद सिकल एक्स एक्सेट्रा ऑल्सो. उनको सिकल यानी कि जो धारी वाला एक औजार होता है जिससे घास वगैरह काटा जाता है, तो वो भी उन लोगों को पता था, उसके बारे में भी वो लोग परिचित थे. इरिगेशन कैसा था वहाँ पर, विदाउट रिच विलेज इट वॉज डिफिकल्ट फॉर किंग्स एंड द किंगडम टू सर्वाइव. अगर विलेज अच्छे नहीं होंगे, रिच नहीं होंगे, पैसे वाले नहीं होंगे, या तो फिर समृद्ध नहीं होंगे. रिच यहाँ पर समृद्ध के अर्थ में हम लोग लेंगे, समृद्ध नहीं होंगे तो किंगडम और राजा सर्वाइव नहीं कर पाएगा. जस्ट एज न्यू टूल्स एंड सीडिंग वेर इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इरीगेशन ऑल्सो प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल. एट दिस टाइम कैनल्स, वेल्स, लेक्स एंड आर्टिफिशियल रिजर्वियर वर क्रिएटेड फॉर इरीगेशन. क्या क्या वहाँ पर हुआ था, जो राजा महाराजा थे उन्होंने इरीगेशन के लिए इन सब चीज़ों का इजाद किया था. वहाँ पर स्टेपवेल्स थे, कैनाल्स थी, लेक्स बनाए गए थे और आर्टिफिशियल रिजर्वियर भी वहाँ पर बनाया गया था. किसके लिए, इरीगेशन के लिए. ओके, सो हम लोग आज का हमारा एपिसोड जो है, अपना जो चैप्टर है उसे यहीं तक रखते हैं. हमें ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष के बारे में जानना है और हमने सबसे पहले हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर जो है उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है, राइट. सो एग्रीकल्चर किस तरह का हुआ था एंशियंट इंडिया में वो आपको पता चला. आगे का हमें रूरल लाइफ कैसी थी उसके बारे में भी पढ़ना है, पर वो हम अपने नेक्स्ट पीरियड में करेंगे.